The question is, from an external point P, a tangent PT and a line segment PAB is drawn to a circle with center O. एक सर्कल है, सेंटर O है. एक्सटर्नल पॉइंट P से एक टेंजेंट PT और एक लाइन सेगमेंट PAB ड्रॉ की गई है. ON इज परपेंडिकुलर ऑन द कोण AB और ON जो है AB पर परपेंडिकुलर है. प्रूव दैट PA into PB PA into PB is equals to PN square minus EN square. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में देखो PA into PB है जिसे हमें PN और AN की फॉर्म में सॉल्व करना है. तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं पी ए इंटू पी बी. अब फिगर से देखते हैं अगर हम, तो पी ए पी ए और हमें कन्वर्ट करना है पी एन और ए एन में, राइट. तो पी ए को हम लिख सकते हैं पी एन माइनस ए एन. अगर इस पूरे पी एन में से हम ए एन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा पी ए. तो पी ए कैन बी रिटन एज पी एन माइनस ए एन, राइट, इंटू पी बी. पी बी को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, पी बी कंप्लीट है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी एन प्लस एन बी, पी एन प्लस एन बी. अब हमें ये पता है, गिवन है कि ये जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर. अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये कॉर्ड जो है बाइसेक्ट हो गई है, मीन्स बी एन इज इक्वल टू एन ए एन. तो यहां पर हम बी एन को रिप्लेस कर देंगे ए एन से, पी एन माइनस ए एन एज इट इज एंड पी एन प्लस ए एन. सेम रीजन यहां पे आप लिखोगे इसके लिए. अब ये हमारे पास बन गई आइडेंटिटी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दैट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यही हमें प्रूव करना था. तो फर्स्ट पार्ट में सिंपल है बहुत ही. सेकेंड पार्ट में देखो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सेम है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे है ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर. तो अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ओ एन ए भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ एन पी बी और ओ टी पी बी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई हुई है. तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं पी एन ओ, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल पी एन ओ. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखो पी एन ओ में राइट एंगल यहाँ है तो ओपी हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, राइट. यहां से हम पी एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर है, तो हम पहले पी एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो यहां से पी एन स्क्वायर जो है वो हमारे पास ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर हो जाएगा, राइट. अब देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें से लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर. तो पी एन की वैल्यू भी हमने फाइंड की, वो हम पुट कर लेते हैं ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर और माइनस ऑफ ए एन स्क्वायर. अब यहाँ पर एक दूसरी ट्रायंगल है ओ एन ई, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ओ एन ई में अगर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पहले तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बन गया. तो यहाँ देखो ओ एन स्क्वायर प्लस ई एन स्क्वायर, ओ एन प्लस ई एन, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई होगी तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर. रीजन में आप लिख दोगे कि पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई की है इन ट्रायंगल ओ एन ए, या तो ये रीजन लिख दो या फिर आप वही लिख दो कि अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ एन ए. अब लेकिन जो प्रूव करना है वो ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर है, हमारे पास ओ ए आया है. तो अब फिगर से देखो जो ओ ए है, ओ ए हमारे पास ओ टी के इक्वल है, बिकॉज ये हमारे पास दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के दोनों इक्वल है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं ओ ए को ओ टी से. तो यहाँ पे रीजन दे देंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ डी ओ टी रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. इससे हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया, हमने स्टार्ट किया था इसे लेफ्ट हैंड साइड से और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है.
तो टू पार्ट्स जो है वो हमें इस टाइप से करने हैं। अब थर्ड पार्ट के लिए देखिए क्या करना है, इसमें हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो इसमें देख रहे हैं अगर हम, तो पी ए इंटू पी बी लेफ्ट हैंड साइड वही है, राइट हैंड साइड को हमें और सॉल्व करना है, राइट। तो अब देखिए इसमें थर्ड पार्ट के लिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमारे पास ये आ चुका था फर्स्ट में, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया। सेकंड में ये प्रूव किया कि पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर हमारे पास ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से एक बात ये आ गई कि पी ए इंटू पी बी हमारे पास ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर है, लेकिन हमें तो पी टी स्क्वायर चाहिए। तो अब देखो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ टी पी, इन ट्राइंगल ओ टी पी यहाँ अगर आप अप्लाई करते हो, क्योंकि ओ पी और ओ टी देखो इसी ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये हमारे ओ पी और ये ओ टी, और यहाँ राइट एंगल तो है क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, तो मीन्स ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर थ्री लिख दो और इसे इक्वेशन नंबर फोर लिख दो। तो यूजिंग फोर इन थ्री, यूजिंग फोर इन इक्वेशन थ्री, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।